नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश कुमार और मनी ग्रोथ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप अपना कीमती समय जो है हमारे साथ शेयर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और एक बार फिर आपका अजयमनी यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और ये दिनेश कुमार है, इनकी टीम संजय कुमार, हेलो वरुण भाई और ये मनदीप सर। एक कंपनी देखने जा रहे हैं हम और ये है दिनेश कुमार हमारे गुरु जी और है यहाँ पर कोई गुरु नहीं है भाई, एवरीथिंग इज फ्रेंड्स। नहीं, दिनेश भाई गुरु है भाई, जो रास्ता दिखाता है वही गुरु होता है और वही रास्ता दिखाते हैं हर बार। मतलब हम काम करना बंद कर देते हैं, वो फिर से बोलते हैं कि भाई काम करना स्टार्ट करो, पर हम करते हैं फिर सफल हो जाते हैं। ये तो मोटिवेट होने के लिए बोलता ही रहता हूँ, वैसे रियलिटी है कि काम जो है कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। जो आदमी विदाउट रेवेन्यू के यानी कि विदाउट रेवेन्यू के लालच के काम अगर कर सकता है तो रियल में वो सक्सेस होता है। रियल तो ये है जहाँ तक मुझे लगता है कि आदमी वही सक्सेस हो सकता है जो किसी भी रेवेन्यू के बिना यानी कि रेवेन्यू का लालच ना रखते हुए काम कर सकता है, रियल में वो एक दिन सक्सेस होगा। और अगर आप अपने काम से प्यार करते हो और काम को जो है बिना किसी लालच के कर सकते हो, आपको आपके काम करने से खुशी मिलती है, आपको आपके काम करने में मज़ा आता है और आप इम्पोर्टेंट जो है पैसे से ज़्यादा अपने काम को देते हो, तो एक दिन रियल में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, जितने लोग अगर थक जाते हैं या थक चुके हैं या काम करना छोड़ देते हैं या छोटी छोटी ठोकरों से जो है यानी कि जो छोटी छोटी ठोकरें लग जाती हैं, कुछ कंपनी आती है चली जाती है और लोग जो है काम करना बंद कर देते हैं, तो उससे जो है सीख लेनी चाहिए और फिर एक बार फिर से स्टैंड अप करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, पैसे की चिंता मत करो, पैसा एक दिन आएगा और इतना आएगा कि यकीनन आप संभाल ले सकते हैं और आप गिन ले सकते हैं उसको। तो ये मेरे छोटे से शब्द थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ पसंद आए होंगे। टेक केयर। ओके दोस्तों, तो ये थे दिनेश कुमार जो हमारे बड़े भाई और गुरु के समान है और हर पल हमारा साथ देते हैं। ओके, मतलब इनका कहना ये है कि आपको काम रोकना नहीं है, ना भागना है, ना रुकना है, सिर्फ चलते रहना है आपको, सिर्फ काम पे फोकस करना है। ओके, तो सक्सेस एक दिन जरूर आपको मिलेगी। पैसे की तो बात ही नहीं है। ओके, पैसा तो इतना आता है ऑनलाइन में कि सोचो ही मत। कभी कभी ऐसी कंपनी आ जाती है जो पैसा तो इतना देती ना कि सोचो ही मत, बट यहाँ पे जो है वो आपका एक कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ना चाहिए, उसका एक लेवल होता है वो बढ़ना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सक्सेस हो पाओगे। ओके, और ये हमारी टीम है दिनेश कुमार एंड टीम। और दिनेश भाई और कुछ कहना चाहोगे? बस भाई, मैंने जो मोटिवेशन स्पीच दी है छोटी सी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं कोई हाई एजुकेटेड नहीं हूँ और हाई एजुकेटेड तो बहुत बड़ी बात, कोई एजुकेटेड भी नहीं हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कभी कभी माइंड में आता है कि मैं नहीं कर सकता या किसी कारणवश आप जो है अपने काम को, चाहे वो आप किसी भी फील्ड से हो, उसको रोक देते हो, बंद कर देते हो, तो थोड़ा सा सर्च मार लेना और यूट्यूब के ऊपर जाना, डालना वहाँ पर दिनेश कुमार लाइफ स्टोरी करता है, तो आपको समझ आएगा कि कितने उतार चढ़ाव आते हैं जीवन के अंदर और कब जा करके आदमी जो है सक्सेस पा लेता है। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करिएगा और साथ साथ में हमारे अजय भाई को जो है फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि अजय भाई ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो उम्मीद है कि इसी तरीके से इनका मार्गदर्शन, सहयोग और प्यार हमें हमेशा मिलता रहेगा, जिससे हम सब मिलकर के आगे जो है कुछ ना कुछ बड़ा और बड़ा और बड़ा करते चले जाएंगे। ओके, तो ये थी दिनेश भाई की प्यारी प्यारी कुछ सोच जो मतलब काफ़ी कुछ सिखा देती है कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है और कैसे इनके मतलब पूरी स्टोरी आप देखोगे ना तो पता चलेगा दोस्तों, दिनेश कुमार की पूरी स्टोरी काफ़ी कुछ सिखा जाती है। मैंने भी काफ़ी बार देखी है, 3 से 4 बार देखी है, इनकी पूरी लाइफ की स्टोरी है। ओके, इन लोगों ने इनका साथ दिया कि इन्होंने नहीं दिया, सो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो ज़रूर आप देखिए दिनेश कुमार चैनल पे, अभी मनी ग्रोथ नाम से उनका चैनल है, तो जाइए और सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों।
साथ साथ में जो भाई को फॉलो करना ना बोले, और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है जो हमारी छोटी सी फैमिली बनी है यूट्यूब के ऊपर, दोनों चैनल के ऊपर एंजॉय मनी और मनी ग्रोथ के ऊपर, तो अपनी फैमिली से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अजय भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इनको फॉलो करें। यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं या अजय भाई जो भी आपके साथ शेयर करते हैं, यकीन मानिएगा वो आप ही की दी हुई एजुकेशन होती है, क्योंकि आप लोग अलग अलग तरीके से और अलग अलग फील्ड से और अलग अलग स्टेट से, इवन अलग अलग कंट्री से हमें सिखाते हैं, और वही जो आप हमें सिखाते हैं वो हम एक वीडियो के दौरान या एक वीडियो के जरिए एक चैनल के ऊपर, चाहे वो मनी ग्रोथ हो, एंजॉय अर्निंग हो, या फिर अजय भाई का अजय मनी चैनल हो, वहाँ पर लेकर के आते हैं। और फिर एक दूसरे की जो एजुकेशन आपकी दी हुई होती है उनको वो सभी के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के शेयर हो जाती है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि सभी लोग जो है सभी की एजुकेशन को एक साथ देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज उठा पाते हैं। ओके, और एक कंपनी नहीं, मतलब कंपनी नहीं कहूँगा, एक कॉन्सेप्ट है जो जिसको देखने जा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ मनदीप सर कहेंगे। तो हमारे साथ मनदीप भाई हैं और अभी हम आए हुए हैं पुणे, और इन्विटेशन था मनदीप भाई की तरफ से और इनकी टीम की तरफ से। पर्पस क्या है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा कि एक कंसेप्ट है और फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटिव कंसेप्ट है, और जिसके साथ ये एसोसिएट होकर के एक ऑथोराइज पर्सन के तरह जो है काम कर रहे हैं मनदीप सर, वो अगर कुछ थोड़े से बोल हमारे व्यूवर्स के लिए बोलना चाहें तो मैं बड़ी मेहरबानी समझूंगा सर की। तो अगर हो सकता है मनदीप सर, क्योंकि वो ड्राइव कर रहे हैं इस समय, लेकिन जैसे भी हो सकता है अगर पॉसिबल हो विदाउट रिस्क, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर बोल सकते हैं, अन्यथा फिर ओके चल के भी बातचीत हो सकती है। तो मनदीप सर आपका क्या कहना है? हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मनदीप सिंह है। हम अभी दिनेश एंड कंपनी को ले जा रहे हैं हमारे ऑफिस में, जहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा काम एक्चुअली कैसे होता है पूरे फॉरेक्स का ट्रेडिंग का, और देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अभी तो ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस चल के बात करते हैं आगे चल के। ओके, तो अभी वो ड्राइव कर रहे हैं तो मतलब इतना आसान नहीं होता बात करना, तो अब आगे ऑफिस में जाके देखते हैं कि क्या इनका प्लान है, कैसा इनका प्रोजेक्ट है और कैसे हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो चलते हैं अब होटल की तरफ। अच्छा खासा मीटिंग रहा और बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। हाँ, और उनसे जब बात हुई ना मज़ा आ गया, इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया सब कुछ, एक्सप्लेन किया ट्रेडिंग के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, मजा भी तभी आता जब सारे क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। हाँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा बिल्कुल साफ सटीक जवाब,
कंडीशन अगर ब्रेक करने की बात कर रहे हो आप, तो बस अकाउंट ओपन होते कंडीशन ब्रेक हो जाती है अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट. अगर हम देखें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, लेकिन सब चीज़ों को तोड़ है. वो तोड़ जो है किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, काबिल तरीके है कि नहीं. चैनल है अजय भाई के साथ, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ अगर अजय भाई से बच्चे हैं तो. हाँ भाई वो तो है, शेयर करते हैं. टीनेज में बातें बहुत अच्छी करते हैं, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ, और मतलब सुनने का मजा ही कुछ अलग होता है उनका. मतलब सुनते ही जाओ बस अच्छा लगता है जब ऐसे कोई दोस्त मिल जाते हैं लाइफ में. ओके, तकरीबन एक घंटे का मीटिंग था दिनेश भाई, एक घंटे का था ना. मतलब जम के क्वेश्चन किया मैडम जी से और सारी इंक्वायरी हमने कर ली, सारे बिजनेस के बारे में सब कुछ, मॉडल के बारे में समझ लिया. आप मतलब कहीं से कहीं तक आप जो है रिस्क फील नहीं कर सकते, सेफली फील करके आप काम कर सकते हो यहाँ पर. और अच्छी बात तो ये होगी कि आप प्रॉफिट के साथ साथ ना आपको एजुकेशन मिलेगी, और जो ट्रेनिंग मिलेगी ना, मतलब ट्रेनिंग आप खुद ही देख पाएंगे अपने सिस्टम के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर जो आपका सॉफ्टवेयर रन करेगा वहाँ पर. तो आप मुझे लगता है मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर, 6 महीने में जो है आप फुल्ली एक अच्छी ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है रियलिटी में. अगर आप एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमारे फंड मैनेजर, हम, अजय भाई तो है ही है. फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. बस पैसा निकालते जाओ, प्रॉफिट शेयर करते जाओ, और कभी कभी बीच में हमारी पार्टी भी कराते रहना. हाँ वो तो है, अगर कमाओगे तो जरूर पार्टी हमें देना. तो चलिए चलते हैं अंदर. पहला व्लॉग है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ कीजिएगा सर. जो भी मेजर पेयर्स है वर्ल्ड के सारे, उसमें सारे में ट्रेडिंग कर सकते हैं. मार्केट का टर्न ओवर जो है वो पर डे का $5.3 trillion है. $5.3 trillion का पर डे इन्वेस्टमेंट होता है. वॉल्यूम सब पता करो ये कितना बड़ा मार्केट है. और इसका कोई पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी नहीं है, डिसेंट्रलाइज मार्केट है. कि यहाँ पर भी इस मार्केट में क्या होता है, इंडियन में पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप अपडाउन कर सकते हो, न्यूज लाते आप अपडाउन कर सकते हो, बट यहाँ पे आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बेसिकली सारी ट्रेडिंग बैंक से होती है. क्योंकि वर्ल्ड बैंक से US का बैंक है, वो सब ट्रेडिंग करते हैं. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, शिकागो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे उसके ऑर्डर्स आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें चल रही है. इसीलिए मार्केट अच्छा है, लोग ट्रेडिंग करते हैं. और ये काफ़ी हो गए, सो 20 ईयर्स से या सोच चुका है इस पर. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है पूरे ब्लॉक मार्केट का क्या होता है. अब आगे का टेक्निकल चीज़ है, उसमें काफ़ी है कि ट्रेडिंग में प्राइस अप डाउन क्यों होता है, उसमें मूवमेंट क्यों आता है, कभी कभी कोई न्यूज़ आता है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आता है. जैसे अभी कुछ एक ब्रेक्सिट का न्यूज़ आता है, उससे पहले US इलेक्शन का रिजल्ट आया था. अभी भी बीच में GBP लास्ट 2 वीक से पहले उसमें GBP EURUSD में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मूव है. लगभग 1 दिन में 4,000 पॉइंट मूव करता है GBP. वो 4,000 पॉइंट्स मूव करने में आप ट्रेड कर सकते हो, आप बाय सेल दोनों कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको केवल बाय कर सकते हो, उसके बाद छोड़ दो. अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ से फॉल होगा प्राइस, तो आप सेल करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं. कंपनी एक्चुअली जो यहाँ ऑफिस है वो कंपनी ऑफिस है. तो कबाना कैपिटल जो ऑफिस है जस्ट ओपन किया ऑफिस में लास्ट 2 वीक पहले मैं वो ऑफिस ओपन कर दिया था. ये कंपनी ऑफिस है, कंपनी एक्चुअली सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन से रजिस्टर्ड है ऑफिस है. फिलहाल मेन ऑफिस में लंडन हेड ऑफिस है, वहाँ से सारे ऑपरेशन और बैक ऑफिस का जो चीज़ होता है वहाँ से होता है. आपको जो सपोर्ट मिल रहे हैं वो सपोर्ट ऑफिस इंडिया में दिल्ली में, कंपनी का दिल्ली है, दिल्ली में ऑफिस है पुणे. बाकी फ्रेंचाइजी काफ़ी जगह पे दे रहा है, फ्रेंचाइजी चंडीगढ़ है, उस साइड भी है, मतलब
पंजाब में भी है, मतलब वो एज अ पार्टनर्स काम कर रहे हैं। कबाना कैपिटल जो है ना वो अपना में काम है ब्रोकरेज सर्विसेज के लिए नहीं करता, हम आप प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, हमारा कमीशन चार्ज है उनके लिए, सब ब्रोकर है क्या मतलब कुछ ट्रेनिंग वगैरह होते हैं आपसे ट्रेनिंग जो है कंपनी जो है कंपनी का और कौन से वहाँ पर वहाँ पर आप अगर अगर पॉसिबल है तो ऑनलाइन भी भेज पहले कमाते उसमें आता है लेकिन बाद में जब देखेंगे ना ठंडक के लिए ऐसे मैक्सिमम लोगों का एक्सपीरियंस है वो ग्रीड आता है, रीजन क्या है वो ग्रीड आता है लालच आता है आपने एक ही में डबल कर लिया वो लालच आता है तो फिर आप लॉस करते हो नेक्स्ट मंथ में देखेंगे जब अपॉर्चुनिटी आएगा तब ट्रेड करेंगे सभी तो मैं अननेसेसरी आप ट्रेड करते जाओ अपॉइंटमेंट जितने का भी आप स्टार्ट करना चाहो हज़ार यूरो मतलब डॉलर इनफॉर्मल बेल्टी होता है सौ पाँच सौ हज़ार जैसा भी है मिनिमम कितना है उसके दो पासवर्ड रहेंगे मिनिमम तो सौ है सौ है अच्छा ट्रेड के लिए कितना मिनिमम सौ उसके दो पासवर्ड रहेंगे एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड जिसे बोल सकते हो आप या आपका बैकअप बैकअप का पासवर्ड होगा और बोल सकते हो एक ट्रेडिंग पासवर्ड मतलब ऑपरेशन पासवर्ड तो इन्होंने क्या डिजाइन किया है कि ये ट्रेडिंग जो है काफ़ी समय से कर रहे हैं एक प्रोसेस है इनके पास और प्रॉफिट जनरेट भी कर रहे हैं और इन्होंने तो रेशियो निकाला जो मेरी बातचीत जबलपुर में हुई थी तो जो लॉसेस को भी देखते हुए एक दो महीने लॉस के दिन होते हैं उस सबको देखते हुए भी पूरे ईयर का भी तरीके से उन्होंने मुझे बताया तो एवरी मंथ जो है 20% रेशियो आया है प्रॉफिट जितना इन्वेस्टमेंट है जिससे ट्रेड कर रहे हैं तो 20% प्रॉफिट जनरेट हो ही जाता है टोटल कैलकुलेशन अपना नुकसान वगैरह सब निकालने के बाद अब उन्होंने डिजाइन इस तरीके से किया कि आपका अकाउंट खुल गया ऑपरेट भी आप कर सकते हो उसको और ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हो आप इनके साथ शेयर करेंगे अपना ऑपरेशनल पासवर्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं ऑपरेशनल पासवर्ड लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन पासवर्ड के जरिए आप क्या ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो टर्म कंडीशन के अंदर एक एग्रीमेंट होगा वो ऑनलाइन एग्रीमेंट होगा तो उसमें आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते बट जो करेंगे यही करेंगे आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे आप उनके साथ ये ट्रेडिंग करेंगे मंथ में जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा चाहे वो 20% हो या 50% हो एग्जाम्पल मान लें कि अगर 1000 रुपये जनरेट होगा तो उसमें से 45% जो है आप इनको शेयर करेंगे प्रॉफिट में से 10% इंट्रोड्यूस आपको शेयर करेंगे मैं हो गया या आप हो गए या कोई भी और 45% आपके पास जब तक आप अपना अकाउंट चलाना चाहें तब तक चला सकते गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हो आप सब दो से तीन दिन रहे पूना में बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जो मतलब काम से आए थे वो काम हमारा सक्सेसफुल हुआ मीटअप भी किया और मीटिंग भी किए ऑफिस भी देखा और जो नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हो रहा था उसको भी देखा और फॉरेक्स का है अच्छा है सो यहाँ से कहीं ना कहीं लग रहा है कि पैसा कमाएंगे बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे ऐसा लग रहा है और बिना रिस्क के और काफ़ी लोग आए थे और यहाँ पे पूना में हमें मिलने के लिए उनसे बातें की बहुत अच्छा लगा और जो हमें इनवाइट किया था उन लोगों ने हमारी मतलब बहुत मेहमान नवाजी की उनके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ संदीप सर मनदीप सर ओके कामले जी सो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे पूना में आके और अच्छा बिजनेस है और उसके प्लान के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में आपको सब कुछ बताएंगे ये सिंपल एक व्लॉग था जिसमें मतलब व्लॉग मैं करता नहीं हूँ बट सोचा कि बना देता हूँ अगर यहाँ पे आए ही है कैमरे में कैद कर ले तो जब भी देखेंगे तो ये पल हमें याद आएंगे ओके अपने लाइफ के कीमती पल हमें याद आएंगे इसलिए हमने इसको एक व्लॉग में डाल दिया और इसको यूट्यूब में आप डालने जा रहे हैं ओके सो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा सो दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहे अजयमोनी यूट्यूब चैनल के साथ और मनी ग्रोथ चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो तो उनके साथ भी बने रहे ओके हम साथ में वर्क करने वाले हैं अब वैसे पहले भी हम साथ में वर्क करते थे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ओके सो अगर आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों ये लास्ट दिन था पुणे का अब हम जा रहे हैं
गुजरात और दिनेश भाई जा चुके हैं उत्तराखंड में। सो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे अच्छे खासे दोस्त बन गए। मतलब दिनेश भाई और उनकी टीम से तो दोस्ती पहले से थी, अब पुणे के जो लोग थे उनसे भी दोस्ती हो गई है। ओके, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस एक साइड की बात है और यहाँ पे दोस्ती एक साइड की बात है। ओके, यहाँ पे नए नए रिश्ते बनते जा रहे हैं, नए नए दोस्त बनते जा रहे हैं। यही इंटरनेट मार्केटिंग की एक मतलब मार्केटर जो होता है ना उसकी खासियत होती है कि वो बंदा मतलब 9 to 5 जॉब नहीं करता, बट उसके मतलब काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट हो जाए, उसका नेटवर्क हो जाता है। सो बहुत ही बढ़िया लगा और आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और इस वीडियो को देखा। दोस्तों इस बात पे एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो इंटरनेट मार्केटिंग ऑनलाइन मेकिंग मनी मतलब ऐसे विचार रखता हो, जो ऑनलाइन में पैसे इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से कमाना चाहता हो फ्री में, यहाँ से मतलब कोई प्लान ऐसे आ जाते हैं जैसे कि पाइवट ऐप आ गया था, तो ऐसे मतलब आ गया था नहीं वो भी चल रहा है। सो ऐसे काफ़ी सारे प्लान आते हैं जो बिना पैसे इन्वेस्टमेंट किए भी आप कमा सकते हो दोस्तों, काफ़ी सारे रास्ते हैं। तो आगे के अपडेट के लिए अजयमनी यूट्यूब चैनल को और मनी ग्रोथ चैनल को देखते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।